पलटवार। दिल्ली सरकार ने अब तक यमुना साफ नहीं करवाई, सीएम ये कहते हुए नजर आए, और साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल को लोगों की समस्याएं नहीं दिखती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गंदगी क्या हरियाणा साफ करेगा। अनिल विज का भी ये बयान सामने आया कि दिल्ली की गंदगी क्या हरियाणा साफ करेगा। दिल्ली सरकार ने 10 साल से यमुना साफ नहीं की है, केजरीवाल को लोग अब समझ चुके हैं, अनिल विज का ये बयान सामने आया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया, वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। हरियाणा सरकार की तरफ से पलटवार किया गया दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे यमुना की गंदगी की बात हो या फिर वायु प्रदूषण की बात हो। अब उसी पर पलटवार किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। दिल्ली के लोग तो मलाई खाने वाले वो केजरीवाल साहब है, उसने लोगों की समस्याएं तो दिखती नहीं, वो तो मलाई मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के पुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है कि उसको भी वो पूरा नहीं कर पाया जो यमुना को क्लीन करने की उसने बात की थी। वहीं पर 28 नाले उस यमुना के अंदर आज भी जा रहे हैं, एक भी छोटा सा भी काम नहीं किया, खाली झूठ बोल करके लोगों का पेट भरने का वो काम करता है। लोग अब जान चुके हैं, उसके चेहरे को भी जान चुके हैं, उसका नकाब भी उतर चुका है लोगों के सामने। अब ये जो चुनाव वो दिल्ली के अंदर होगा, ये केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने असफलताओं को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। भाई 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे? वो तो आम आदमी पार्टी को ही करनी पड़ेगी, और कर रहे नहीं, बयानबाजियां कर रहे हैं, 10 साल हो गए।